हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सब खैरियत से हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज़। और जैसे कि तुम्हें लास्ट वीडियो में देखे थे, ये अनबॉक्सिंग करी थी मैं इसकी, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा यूज़ होता है और ये प्रॉफिटेबल है लेना क्या या नहीं। इसमें मैं पानी लेको हूँ और ये पेनॉल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा जस्ट एक दो पिंच हुआ था डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर रही हूँ। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। पानी को डिप करने के साथ ये ड्रेन भी कर लीजिए, ज़्यादा गीला नहीं होता तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तो काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकती। एक से दो बार मैं इसे अच्छे से यूज़ कर लेकूँ, उसके बेनिफिट्स क्या हैं मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये सारा क्लीन कर लेने के बाद तुम ना मिलती हूँ। और ये सारा अच्छे से क्लीन होगा, हॉल किचन सब, और सोफ़े के नीचे से भी आराम से क्लीन होगा। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पानी अच्छे से ड्रेन हो जा रहा है तो जल्दी सूख जा रहा है, ज़्यादा देर तक गीला नहीं रहता फर्श। और ये बनाना पिल्स मैं ड्राई होने रखी थी खाद के वास्ते, अब प्लांट्स को डालने ये बहुत बेनिफिशियल हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को या जो भी फ्रूट प्लांट्स हैं उसे भी तुम्हें दे सकती हैं। तो इसे मैं ड्राई करको हूँ, अच्छा क्रंची होगी तो मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेको पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। इसे तुम्हें एक स्पून पाउडर पानी में मिला को भी तुम्हें एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स को दे सकती हैं, या इसका पाउडर भी, जैसे तुम्हारा पॉट ज़्यादा बड़ा है तो एक टू स्पून से, या छोटा है तो एक स्पून इसे थोड़ा मिट्टी में मिक्स कर को भी दे सकती हैं। और ये अच्छे से ग्राइंड हो गए, पाउडर फॉर्म में आ गए। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी पाउडरी हो गई है। तुम्हें इसे लॉन्ग टर्म के वास्ते सेव करके रख सकती हैं, क्या भी जल्दी ख़राब नहीं होता। तुम्हें इसके बारे में और भी जानना हो तो तुम्हें यूट्यूब में सर्च कर सकती हैं। बनाना फर्टिलाइज़र का तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं तो तुम्हारा डिटेल में मालूम होता है कैसा यूज़ करना लिक्विड फर्टिलाइज़र या ऐसा पाउडरी फॉर्म का कैसा यूज़ करना। अगर को मैं एक स्पून ऐसा बड़े पॉट के वास्ते यूज़ करती हूँ तो तुम्हें उसके बारे में सर्च कर लियो। ये मैं स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ अम्मी ये चिकन फ्राई कर रही हैं और धूप ज़्यादा है तो मैं आज छांछ बना रही हूँ। हमारे यहाँ प्याज ये नहीं है कोतिमीर। एंड इट्स लंच टाइम। लंच तो आजकल बहुत ज़्यादा देर से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप गर्मी की वजह से भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अब 4:30 बज रही हैं और लंच हमें अब कर रही हैं। और ये ऊपर टेरेस पर आए थे थोड़ा क्लीन करने, अब बहुत दिन हो गया था टेरेस पर, थोड़ा मट्टी सब आ गई थी तो ऊपर टेरेस पर क्लीन कर रही हैं। क्लीन सिर्फ मैं करूँ से नो, सब मजाक कर ले को, चायाँ पी ले को, लड़ ले को है। और मोहरी की अजा होती थी तो चांद देखने सब जने ऊपर आए थे लेकिन चांद नजर नहीं आया। और ये दयान व्लॉगर देखिए को अम्मू। और ये शाम में जलेबी मंगाए थे तो सब जने जलेबी एंजॉय कर कर। एंड बहुत से जने को मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर को ऑन कर लियो, या ऑलरेडी ऑन कर को ही तो एक बार ऑफ कर को ऑन कर लियो तो ज़रूर से वीडियो नोटिफिकेशन आता है। लॉट्स ऑफ लव और तुम्हारा भी बहुत सारा सपोर्ट होना तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।